गाजियाबाद से खबर आ रही है, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर कसा है कानून का शिकंजा। कोर्ट ने पासपोर्ट संबंधी याचिका को खारिज किया है। गाजियाबाद पुलिस के पास जमा है रेमो डिसूजा का पासपोर्ट। रेमो डिसूजा पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। गाजियाबाद के सतीन त्यागी ने दर्ज कराया है केस। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर, गाजियाबाद के सतीन त्यागी ने केस दर्ज कराया। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर कसा कानून का शिकंजा। कोर्ट ने पासपोर्ट संबंधी याचिका को खारिज किया। गाजियाबाद पुलिस के पास जमा है रेमो डिसूजा का पासपोर्ट। रेमो डिसूजा पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। गाजियाबाद के सतीन त्यागी ने दर्ज करा है केस। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को कौन नहीं जानता, लेकिन पासपोर्ट संबंधी याचिका को लेकर पहले याचिका खारिज हुई। गाजियाबाद पुलिस के पास उनका पासपोर्ट अब जमा है। रेमो डिसूजा पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। गाजियाबाद के सतीन त्यागी ने यह केस दर्ज कराया है। तो रेमो डिसूजा ने 2013 में सतीन त्यागी के साथ मिलकर फिल्म बनाई। फिल्म में पैसा रेमो ने गाजियाबाद के सतीन त्यागी से लगवाया था। तय वक्त पर रेमो डिसूजा ने पैसा वापस नहीं किया। रेमो डिसूजा ने 2013 में सतीन त्यागी के साथ जो फिल्म बनाई अमर मस्ट डाई, 1 साल के अंदर पूरा पैसा दोगुना कर वापस करने की कही थी बात। सतीन ने सिहानी गेट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। फिल्म अमर मस्ट डाई के निर्माण में 5 करोड़ का खर्च आया था। फिल्म में पैसों को लेकर धोखाधड़ी का केस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर दर्ज हुआ है। अब कानून का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। 2013 में जो फिल्म बनी, फिल्म में पैसे रेमो के गाजियाबाद के सतीन त्यागी ने लगवाए थे। तय वक्त पर रेमो डिसूजा ने पैसा वापस नहीं किया, तो सियानी गेट थाने में केस दर्ज किया है।